स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल थोड़ा स्वागत किया जाता है। अज आप बी ए सैकेंड ईयर जो थर्ड सैम जोड़ा वो सिलेबस कर रहे थे हिस्टरी का। अपना अगला चैप्टर 1857 का महान विद्रोह। पहला आपां पिछले लैक्चर के विलियम बेंटिंग ते डलहौजी के सुधारों बारे पढ़िया कि उन्होंने भारत के लोड़ी सुधार ने जोड़े किए। उस तो बाद 1857 का महान विद्रोह है जोड़ा आजादी की पहली क्रांति के नाल भी इसमें जाने जाता है। इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम संगठित साजिश महान क्रांति का नाम दिता गया क्योंकि हिंदुओं के मुसलमानों ने रल के इस विद्रोह के हिस्सा लिया। विशाल विद्रोह बनया। राजनीतिक समाजिक आर्थिक सैनिक अनेक तरह के कारण से जोड़े इस विद्रोह में लेके हुए। भारत के सदियों तो चली आ रही अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध भारतीय लोगों के नवी जागृति है जी पैदा की इस विद्रोह ने। इस तो बाद भारतीय लोग अपन गुलामी जंजीरों को तोड़न के लिए काले पे। इसलिए भारतीयों की स्वतंत्रता के संघर्ष में उत्साहित करने के लिए 1857 का विद्रोह महान कार्य जो करता है। कारण आप पढ़ते हैं कि कहते 1857 का महान विद्रोह चर्बी वाले कारतूसों के कारण वधेरे जाने जाते हैं। लेकिन कल्ले चर्बी वाले कारतूसों की जी आप वरतों करी का पक्ष लीए वह कल्ले ही कहते इस महान विद्रोह के कारण शामिल नहीं सीगा। इस तो बिना भी होर बहुत सारिया घटनावां सी जिहड़ियां वह 1857 के विद्रोह का कारण बनदियां ने। समंतां दे वल्लों विद्रोह सरदारां भारतीय सैनिकां आम लोगों शासकां हर एक वर्ग से जोड़ा लंबे समय तो अंग्रेजी शासन के दुखी चल आ रहा है। वो एक यह जो समय की भाल से जो अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म जोड़ा बने वह प्लेटफॉर्म से जोड़ा वह सैनिक विद्रोह भाव चर्बी वाले कारतूस ने जोड़े वो देते हैं जिदे कारण वो सारिया गुस्सा से जोड़ा बढ़ चढ़ के ये किसान व्यापारी सारे लोग से जोड़े ये हिस्सा लेंगे तो महान विद्रोह जोड़ा वो बनते। उस तो बाद राजनीतिक कारण पढ़ते हैं। पहला नंबर अंग्रेजों की साम्राज्यवादी आक्रमणशील नीति। अंग्रेजों ने कहते प्लासी की लड़ाई के राही बंगाल बिहार उड़ीसा के इलाकों को जित के कंपनी के राज को स्थापित करना चाहिया। कहते वो इतों तक ही सीमित नहीं रही सके। प्लासी की लड़ाई के शक्ति के साजिशों के नाल क्लाइव से जोड़ा जिथे सराजुद्दौला के महान सेनापति मीर जाफर नाल सांठगांठ करता है विश्वासघात करने मजबूर कर देता है। कहते उस जितने बाद अवधे इलाकों जित लेंद उड़ीसा मद्रास अगे वालों राज बदा भाव की सी अंग्रेजी शासन को कहें अंग्रेजी कंपनी की सरकार राज होर दूर दुराडे खेतर बढ़ा चाहता सगा जिसन भारतीय शासक भारतीय लोग जोड़े वह सहन ना कर पाए। इसलिए 100 साल के करीब आप उस गुस्से लग्या भड़कन दे इसलिए कह सकते हैं उन्होंने साम्राज्यवादी नीति से जोड़ी उन्होंने विद्रोह ही भावना के लिए भारतीयों तैयार कर रही थी क्योंकि जिन्होंने उन्होंने राज खोहे वो सारे शासक से जोड़े वो आप भी अंग्रेजों की नीतियों तो विरुद्ध चले आ रहे थे। जिमें तजौर पेशवा कर्नाटक हैदराबाद मराठे मैसूर अनेक तरह के यह शासक से जोड़े वो इस युद्ध के इस विद्रोह के हिस्सा जोड़ा लैन के लिए काम करना शुरू कर देंगे ने जिदे कारण दुश्मनों हराने के लिए गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग भारतीय लोगों की भलाइया के लिए प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश भी करते कि लोग की ने अपने शासकों को भुल जाण अपनी राजनीतिक पक्ष के अंग्रेजों के नाल जुड़ जाण पर उस भी कामयाब से जोड़ा वह नहीं हो सकया है जिदे कारण भारतीय लोग से जोड़े उन्हों का गुस्सा 1857 विद्रोह निकल के बाहर आता। दूजा डलहौजी की साम्राज्य का विस्तार करने की अन्यायपूर्ण नीति। लॉर्ड डलहौजी ने कहते अपने साम्राज को विस्तार करने के लिए सारिया हद्दां पार कीतियां लैप्स दा सिद्धांत लागू करता उन्हें। कहते जेकर किसी राजे नूं गोद पुत्र नहीं है गोद लैण की आग्ञा नहीं इस लड़ी के तहत झांसी वर्गे राज जिते जिवें नागपुर 17 वर्गिया रियासतों जितया। कहते उत्थों के राजे ने जिहड़े सही ढंग नाल राज नहीं चला रहे है तो जिहड़ा कोई माड़ा मोटा अड़दा सी उसनूं युद्धां नाल जितया। इस तरह नाल लॉर्ड डलहौजी से जिहड़ा 1848 तो 56 तक रहा उसने लगभग भारत के सारे इलाकों जित के अपना राज कायम करने की कोशिश की जिस दे कारण लॉर्ड डलहौजी अपनी इस साम्राज्यवादी नीति के नाल नाल कुछ सुधार लियाने भी प्रयत्न करते परंतु भारतीय लोग से जोड़े उसनों वो असैप्ट नहीं करते। उन्होंने सुधारों अपनी सभ्यता के खिलाफ समझते हैं
अपनी संस्कृति के उत्ते बाहर समझते सी उह अपनी सभ्यता नूं अपनी संस्कृति नूं भारतीय लोग छड्डना नहीं चाहुंदे सी इस कारण भी उसके खिलाफ़ हो जाते हैं तो बाद दे विच उह ज़्यादातर रूप धारण कर लैफ्ट सिद्धांत तो ही पिछे आपां पढ़ लिया क्योंकि इस रियासत दे अधीन भी जो भी रियासतां दे राजे दे औलाद नहीं सी उन्हां नूं पुत्र गोद लैण दी इजाजत नहीं है ठीक है तो उन्होंने जो मर गए तो उन्होंने राज जो अंग्रेजी राज शामिल कर लिया जाऊगा इस लड़ी के तहत झांसी का राज से जोड़ा वो जितया नागपुर का रियासत सी वह इस तरह जीती जैतपुर चम संबलपुर पकाट उदयपुर बसु लैब सिद्धांत के अधीन अंग्रेजी राज लॉर्ड डलहौजी ने धोखे नाल अपने राज का हिस्सा बनाए। राणी झांसी का अंग्रेजों तो बदला लैण की भावना कहने जो राणी झांसी का स्वर्गवासी शासक पति गंगाधर राव की विधवा राणी लक्ष्मी बाई कंपनी के शासन के विरुद्ध भड़क गई क्योंकि उसने पुत्र गोद लैण की आग्ञा ना दी उसने भी 1857 के विरोध में बद चढ़ के हिस्सा लिया। नाना साहब की पेंशन बंद कर देनी डलहौजी के तजौर करनाटक के शासकों दी पदवियां ते पेंशन खत्म कर दित्तियां जिहदे कारण वह भी इन्हां दे खिलाफ़ हो गए और उन्होंने विरुद्ध साजिशां कढ़न लगे। 1857 विद्रोह का हिस्सा है जिहड़ा वह भी बनते हैं। उस तो बाद अवध नूं अंग्रेजी साम्राज च मिलाउणा जदों अवध का शासक बंगाल बिहार के इलाकों नूं जितण तों बाद वड्डे वड्डे डाके मारने 1856 दे विच अवध दे नवाब बाजद अली खान नूं गद्दी तों उतार के ब्रिटिश राज च मिलाया तां अवध दा नवाब उसदे मंत्री सरदार सारे अंग्रेजों के विरुद्ध भड़क देने के 1857 विद्रोह हिस्सा लेंदे ने। मुगल सम्राट की निरादरी आरंभ के अंग्रेज मुगलों सम्राटा की इज्जत करते तोहफे भेट करते 1778 तो लेके 1735 तक उन्होंने नाँ के सिक्के भी चलाए पर हौली हौली गवर्नर जनरल ने अपनी पदवी कायम करनी शुरू कर दी मुगल सम्राट को तोहफे देने बंद कर दिए। बरतानवी सम्राट के नाँ से सिक्के चलाने शुरू कर दिए भाव सम्राट की निरादरी हुई। बहादुर शाह तो राजमहल किला पदवी सारे खोले कहिंदे इस नूं भी अंग्रेज भारत दे विच मुगल सी जिहड़े उह सहन ना कर सके ते वड्डी गिणती च उहदे विद्रोह च शामिल हुंदे ने। बेकार सैनिकां दी समस्या हुण जिहड़े सैनिक बेकार तो भाव आपां बेरोजगार लवांगे क्योंकि जिहड़े सैनिक पहलां किसी ना किसी शासक दे अधीन कम करदे सी कोई मराठियां दे अधीन बदे खोलकर सिंधिया भोसले झांसी दी राणी जां बहादुर शाह दे अधीन जिहड़े मुगलां दे अधीन कम करदे सी उहनां सैनिकां नूं अंग्रेजों ने अपनी सेना का हिस्सा जिहड़ा नहीं बनाया उन्होंने राज जित ले सैनिक से जिहड़े उन्होंने की हो गए बेकार हो गए बेरोजगार हो गए वह भी कहिंदे उन्होंने खिलाफ़ हो गए। उस तो बाद प्रशासनिक कारण कि भारत उत्ते इंग्लैंड तो शासन 1858 ईस्वी के 57-58 के राही एक तरह कंपनी का शासन जो स्थापित होया तो भारत के अंग्रेज इंग्लैंड तो शासन होना आरंभ होया भारतीयों हूँ अपनी गुलामी जी चमकन लग पी तो वह उस बर्दाश्त ना कर सके इसलिए भी विरोध में हिस्सा लेंदे ने। अंग्रेज अधिकारियों के लोगों के नाल भैड़ा सलूक भारत के भारतीयों काले तांबे रंग के असभ्य बरबर बेईमान झूठे अनेक तरह के शब्दों नाल भारतीयों नीवे दिखाने की कोशिश की जाती है इतों तक कि सांझियां थावां के उत्ते सार्वजनिक थावां के उत्ते लिखा हुआ हुंदा सी इंडियन डॉग नॉट लॉर्ड इस तो भारती से जिहड़े अपने देश च भी जदों उन्हां नूं शामिल नहीं होण दित्ता जांदा प्रोग्रामां च तां उन्हां दे खिलाफ़ नेड़े हो जांदे ने। भारतीय उच्चिया नौकरियों तो बांझे रखना भारत के अंग्रेजी सरकार भारतीय उच्चिया पदवियों तो बांझे रखती है छोटी छोटी नौकरियां दित्तियां जांदियां ने सिर्फ अंग्रेज यूरोपियन उच्चिया पदवियों पर लाया जाता है उन्होंने राज दे विच जदों भारतीय नाल इदां दा अन्याय हुंदा तां भारतीय जिहड़े इस अन्याय नूं सहार ना सके ते विद्रोह च हिस्सा लैंदे ने। कानून निर्माण कौंसल च भारतीयों नूं जगह ना सर शहीद अहमद खान की कहिंदे 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण की सी कानून निर्माण कौंसल इंडियन लैजिस्ट्रेटिव कौंसल जिस दे विच भारतीयों नूं जगह नहीं दित्ती गई संविधान भारतीयों लिए बनाए जा रहे हैं लेकिन भारतीयों तो कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जा रहा इस कारण भी भारतीय इस तो नाराज़ होंदे ने विद्रोह का हिस्सा बनते हैं भड़क जाते हैं। भारत के कानून शासन का प्रचलन कंपनी की सरकार भारत में कानून का शासन प्रचलित करती है जिसके कानून की दृष्टि तो सारे लोग अमीर तो गरीब ताकतवर तो कमजोर उच्च वर्ग तो नीवें वर्ग को बराबर समझे जाने लग पाया लोकतंत्री सिद्धांतों के अनुकूल चंगा कारज सी इसका उल्टा असर पिया उच्चे वर्ग के लोगों ने जिन्होंने अंग्रेजी शासन तो पहला विशेष अधिकार प्राप्त किए लोकतंत्री कारजा पसंद ना किया निजी हितों के लिए हानिकारक प्रतीत होने लग्या इस तरह नाल मुसलमान तो हिंदू ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए तो एकमिक हो के अपने मान सत्कार लिए लड़ते हैं। अंग्रेजी न्याय प्रणाली का हरमन प्यारा होना हरमन प्यारा ना होना अंग्रेजी न्याय प्रणाली से जी वो हरमन प्यारी ने उसकी पृष्ठ बैठ के मुकदमे के देर नाल फैसले होंगे ने ज़्यादा खर्च होंगे कई बार कपटी अमीर झूठे सैन
निर्दोश लोगों के उत्ते अत्याचार करते हैं। अंग्रेज़ों ने अदालती भाषा अंग्रेजी को घोषित कर दिया जाता है। इस तरह नाल फारसी की थान के उत्ते मजबूर होकर उन्होंने विरुद्ध होए। जावर भूमि कर व्यवस्था अंग्रेजी सरकार प्रचलित भूमि कर व्यवस्था राही भारतीय जिमीदार किसानों के हितों के विरुद्ध है। अनुसूचित अत्याचार राही बंगाल बिहार उड़ीसा प्रचलित स्थाई बंदोबस्त दूजे प्रांत लागू किए गए रैतवाड़ी महलवाड़ी बंदोबस्त किसानों के उत्ते अत्याचार करते हैं तो जिदे कारण की है उन्होंने भारी मात्रा के टैक्स लिया जाता है। उस तो बाद अजोग दुश्मन दोषपूर्ण पुलिस व्यवस्था कंपनी की सरकार ने भारत में नवी पुलिस व्यवस्था सी जी लागू की जी दोषपूर्ण सी भाव उच्चिया पदवियों के उत्ते यूरोपियन सैनिक ने सिपाही निचले पद्धर से रखे जाते हैं भैड़ा सलूक किया जाता है उन्होंने। इस कारण भी भारतीय ने जोड़े उन्होंने खिलाफ़ होने शुरू हो जाते हैं। आर्थिक कारण भारत के अंग्रेजी शासन नाल सब तो वध प्रभाव आर्थिक कारण से पिया क्योंकि अंग्रेजी कंपनी से जी भारत का आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा शोषण है जोड़ा वो कर रही है जिद करते हैं कंपनी के इस अधिकारियों का भारतीय राही शोषण उन्होंने राजनीतिक सत्ता हासिल की टैक्स की भरमार मात्रा भारतीयों के उत्ते लगा दी भारतीय व्यापारियों को महंगे भाव के वस्तां देंदे ने जिदे कारण भारतीयों का व्यापार ठप्प होया ते अंग्रेज अपने व्यापार को विकसित करन दे विच कामयाब होए। इस तरह नाल बहुत सारे शिल्पकार कारीगर छोटे व्यापारी भारत के सीगे जिहड़े वह एक तरह नाल बेकारी की समस्या बेरोजगारी चले गए अते उन्हां दे खिलाफ़ हो गए। भारतीय हथकरघे उद्योग ते शिल्पकारां दी बर्बादी छोटे उद्योग जिहड़े घरां दे विच कम करन वाले हथकरघे हत्थ नाल बनाउण वालियां चीज़ां सी जिहड़ियां उन्हां दा उद्योग बिल्कुल ही बंद हो गया क्योंकि मशीनी चीज़ां कच्चा माल अंग्रेज़ां तों आउण वाला माल इंग्लैंड तों आउण वाला माल ज़्यादा मात्रा 'च लगना शुरू हो गया अते उह वी भारतीय हथकरघे उद्योगां दे विच खेती 'च कम करन वाले लोग सी जिहड़े उह बेकारी दी समस्या दा सामना करदे ने। भारतीय व्यापारी अते वणज नूं सट उही गल भारतीय व्यापारी ते इंग्लैंड दा व्यापार जदों विकसित होण लग पिया भारतीय व्यापारियों की मंदी आ गई उन्हां दा माल नहीं बिक रहा महंगे भाव दे उत्ते बेचदे ने तां उन्हां नूं कमाई हुंदी सी अंग्रेज़ उन्हां दे मुकाबले सस्ता माल वेचण लग पे। इस तरह नाल भारतीयों दा व्यापार सी जिहड़ा लगभग ठप्प हो गया ते अंग्रेज़ इस तों ज़्यादा लाभ कमाउणा शुरू कर दिंदे ने। उस तों बाद पिंडां दी आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था दा अंत पिंडां दे विच जिहड़े हत्थ करंगे छोटे मोटे उद्योग सी जिहड़े चलदे सीगे कहिंदे उह जदों ठप्प हो गए उन्होंने उद्योगों के राही पिंड रहने वाले लोग से जोड़े वो अपना ज जनजीवन ज अपना जीवन वधिया ढंग जिउंदे सीगे हुण उन्हां दा जीवन पद्धर से जोड़ा आत्म निर्भरता से जी भाव अपने खाण जोगा रोज़ कमा लेंदे सी उह जदों लोड़वंद पूरा ढंग ना हो सकिया इस कारण वह भी आत्म निर्भरता खत्म होने कारण भी वह उन्होंने विरुद्ध हो गए। किसानों की गरीबी और ऋणग्रस्ता अंग्रेजी शासन में किसानों भूमिहीन काश्तकारां की हालत के आर्थिक मंदहाली का सामना करना पैंदा है। स्थाई बंदोबस्त के जिमीदारां का शोषण किया जाता है सरकार उन्होंने हितों की रक्षा करने लिए कुछ नहीं करती रैतवाड़ी महलवाड़ी बंदोबस्त के खेतर के सरकार राही शोषण किया जाना शुरू हो गया भारी मात्रा च लगान देना पैंदा सी इस कारण उन्होंने ज़्यादा नुकसान होया तो उसके विरुद्ध हो गए। नील बगीचा ते काश्तकारां दे उत्ते अंग्रेजी मालकां दे अत्याचार अंग्रेजी कंपनी 1833 अंग्रेज़ पूंजीपतियों नूं भारत दे विच नील ते बगीचे लाउण दे जमीन देण दा फैसला करदी है जिसके अनुसार अंग्रेजी पूंजीपतियों ने बंगाल अते बिहार के प्रदेशों के नील ते विशाल बगीचे लाए कम करन दे लई भारतीय काश्तकारां नूं लगाया गया। बगीचों के अंग्रेज़ माल काश्तकारां दे उत्ते अत्याचार करते हैं अते उन्हां नूं अजिहा करन तों रोकणा उन्होंने नहीं चाहिया गरीब काश्तकारां दे नाल गुलामी का व्यवहार किया जाता वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध होए। कंपनी राही करमुक्त जमीनों की जब्ती भारत में अंग्रेजी का शासन स्थापित होने तो पहला हिंदू मुसलिम शासक बहुत सारे व्यक्ति अपने धार्मिक संस्थावां टैक्स मुक्त भूमि से जी दे रहे थे अंग्रेज़ों ने सारी भूमि से जी जब्त कर ली इस तरह नाल उन्होंने नुकसान होया तो सारे अपने धर्मों के खिलाफ समझण लग पे तो इसके विरुद्ध हो गए। जैक्शन का अवध के तलोक तालुकदारा कठोर सलूक अवध का ब्रिटिश साम्राज्य शामिल तो बाद जैक्शन ने उतों के तालुकदारा कठोर सलूक किया तालुकदारा की भूमि खो ली अंदाजा लाया जाता है कहते तकरीबन अद्धे पिंड उन्होंने हथों खिसक गए तो तालुकदार की सारी भूमि खो ली जाती है वह भी उन्होंने विरुद्ध हो गए। अकाल अंग्रेजी शासन काल के दौरान भारत में वक् वक् भागों कई काल पे 19वीं सदी के अंत तक 7 काल पे 15 लाख लोगों की मौत होंगी है। अकाल दे विच निर्धन लोग खास तौर पर किसान बेकार शिल्पकार बड़े दुख झलने पैंदे ने उन्हां दी मुसीबतां दे कारण भी उन्होंने खिलाफ़ हो गए। समाजिक ते धार्मिक कारण अंग्रेज़ां दा भारतीयां नूं घटिया समझना
ये आपां पहलां भी करके आए क्योंकि उह सभे बेईमान झूठे काले धब्बे कुछ भी बहुत कुछ कहिंदे सीगे इस तरह नाल कहिंदे जदों उन्हां नूं अगे लै जांदा होटलां क्लबां दे विच नहीं वड़न दित्ता जांदा सीगा सांझियां थावां ते नहीं इकट्ठे होण दित्ता जांदा सीगा नीवें अहुदिआं ते रख्या जांदा इस तरह नाल भारतीय लोग अपने देश च वी उन्हां नाल ही इदां दा व्यवहार होए वो सहन नहीं कर पाए। ईसाई धर्म का प्रचार 1857 विद्रोह के कारण से ईसाई धर्म का प्रचार ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरैक्टर के सभापति मैंगल्स ने हाउस ऑफ कॉमन के कहा कि ईश्वर ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को प्रदान किया है। ईसाई मत का झंडा एक कोने तो दूजे कोने सफलतापूर्वक लहरा सके इसलिए कहिंदे ईसाई बनाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। ईसाई सिख मिशनरी स्कूल खोले हिंदू मुस्लिम से जोड़े इस अपने धर्म के खिलाफ समझते थे इस लिए धार्मिक पक्ष तो भी बहुत सारे लोग से जोड़े वह इन्ह के खिलाफ इस विद्रोह का हिस्सा बनते हैं। भारत में पछमी सिक्ख्या का प्रसार विलियम बेंटिंग के समय कहिंदे 1835 अंग्रेजी भाषा पछमी सिक्ख्या के प्रसार लिए प्रयत्न किए। राजा राम मोहन राय वर्गे उदार भारतीय सुधारक उन्हों का स्वागत करते हैं फिर भी भारत के बहुत सारे कट्टर हिंदू मुसलमान अंग्रेजों की इस नीति का विरोध करते हैं। उन्होंने स्कूल कॉलेज स्थापित किए उन्होंने बाइबल का ज्ञान दिता जा लग पाया। बिहार के कट्टर रूढ़ीवादी लोग सरकारी स्कूलों पसंद नहीं करते इस कारण उनके खिलाफ हुए लोग अंग्रेजों राही हिंदुओं की जाति प्रथा की उलंघना कहते अंग्रेजी साम्राज्य जिहड़ी अपनी जाति प्रथा चली आ रही थी अंग्रेजों ने उसके गहरी सट बई तो सरकारी हस्पताल खोले जिन्हां विच ऐलान किया कि मरीज आदमी चाहे औरत है चाहे उच्ची जाति दे नीवी जाति दे बिना किसी भेदभाव के उत्थे इलाज किया जाऊगा। जेलों च कैदियों भी सांझा भोजन दिता जाने लग पाया। भारतीय लोग इस अपनी सभ्यता के खिलाफ समझते हैं तो उन्होंने खिलाफ उन्होंने काम करना तो जो इस पाठ के हिस्सा लिया अंग्रेजों राही मुसलमानों की धार्मिक रीतां ते प्रवाह थावां दा उलंघन इस तरह नाल जिवें हिंदुओं दीआं भावनावां नूं सट लगती है इस तरह नाल अंग्रेजां मुसलमानों दीआं धार्मिक भावनावां नूं सट लगती है वह भी उन्हां दे खिलाफ हो जांदे ने वह भी अपने धर्म के लिए उस नूं खतरा समझते हैं। विरासत संबंधी कानून विच परिवर्तन डलहौजी के शासन काल के 11 अप्रैल 1850 नूं विरासत संबंधी एक नवा कानून पास होया जिहदे विच धर्म बदली पिछों कोई व्यक्ति जद्दी संपत्ति का मालिक हिस्सा बन सकता है भाव जिमें देखो आप पढ़ते हैं भी पिता तो बाद उसका पुत्र जायदाद का मालिक होंगे अंग्रेजों ने कहता जेकर वह धर्म परिवर्तन करता है तो कहते उसका मालिक बन सकता नहीं बन सकता ईसाइयों के लिए जरूरी करता इस तरह हिंदू तो मुसलमान से जोड़े उन्होंने खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं। उस तो बाद समाज सुधारा वाल कट्टर हिंदुओं की प्रतिक्रिया अंग्रेजी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग डलहौजी लोगों की भलाई के लिए कुछ समाज सुधार करते हैं सतीत प्रथा कुड़ी मारन की प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दिए जाते हैं। 1856 च विधवा पुनर्विआह एक्ट पास किया जाता है इन्हां प्रथावां नूं हिंदू से जोड़े वो अपनी सभ्यता के खिलाफ समझते हैं इसलिए उन्होंने विरुद्ध वह विद्रोह के हिस्सा लेंगे। उस तो बाद आगे रूढ़ीवादी भारतीयों के रेलों के तारों के विरुद्ध प्रतिक्रिया रेल डाक तार व्यवस्था जी चलाई उन्होंने भी भारतीयों ने की है नफरत की नज़र न वेख्या भाव वो इन्हों समझते कहते रेल इंजन के थले देख के जा तारा दी लपेट के मार दिता जाएगा इस तरह नाल कहिंदे वो भारतीय ने मारन का हिस्सा है इसलिए भी वो उन्हों का विरोध करना शुरू कर देंगे ने। 100 साल बाद हुकूमत बदलने का परम 1857 च पलासी की लड़ाई के उन्होंने राज शुरू किया अंग्रेजों भारतीयों के मन च वहम सीगा कि 100 साल बाद राज चेंज हो जाता है इसलिए 100 साल हो गए सी कहिंदे उन्होंने आस बजी कि हुण राज चेंज होगा इसलिए भी वह इस दे विच अपना योगदान है जिहड़ा पाउणा शुरू कर देंगे ने। उस तो बाद सैनिक कारण भी बड़े जरूरी समझे जाते सीगे पहला नंबर सैनिक भारतीय समाज का अंग कंपनी के सेना से सिपाही भारतीय समाज का अंग सीगे सुभाव की समाज के दूजे वर्ग ब्रिटिश शासन तो संतुष्ट उन्होंने असर पिया सिपाही असल वर्दीधारी किसान ही सन अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां पीड़ित किसानों शिल्पकारा की पीड़ महसूस करते सकते पुत्र से वह जो कुछ किसानों शिल्पकारा छोटे व्यापारियों होया वह सैनिकों भी होता सैनिकों के भाव अंदर भी एक तरह न अंग्रेजों के विरुद्ध भावनावान भड़क उठिया सगिया भारतीय सैनिक कर्मचारियों यूरोपियन अधिकारियों तो घटिया समझना दूजा नंबर सेना के भारतीयों यूरोपियन के मुकाबले घट अहदे दिए जाते हैं मरण के लिए युद्धों के अगे किया जाता आधुनिक हथियार यूरोपियन रखे जाते हैं बेकार हथियार भारतीयों दिए जाते सके इस तरह न खाण पीन के ढंग के वितकरा सनखाहों के ढंग के वितकरा स उच्चे अहदे भारतीय सैनिकों नियुक्त नहीं किया जाता सारे भेदभावों को देख के भी भारतीय सैनिक से जोड़े
वह यूरोपियन के खिलाफ से जोड़ा वह होना शुरू हो जाते। भारतीय सैनिकों की कट तनखाह पत्ते अंग्रेजा के मुकाबले यूरोपियन के मुकाबले उन्होंने तनखाह पत्तियां घट होना भी उन्होंने खिलाफ कर दिता है। भारतीय सैनिकों की भावनावां धार्मिक भावनावां का तिरस्कार, कहिंदे एक बार धार्मिक भावनावां की है, दाढ़ी नूं मनवाउण लई कहा, पग दी थां ते टोपी पहनण लई कहा, मत्थे ते जाति चिन्ह लगाउण दी मनाही कर दित्ती, एंग्लो अफगान युद्ध दे विच शुद्ध भोजन खाण दे लई भेड़क दी खल दी बनी हुई जैकट पहनण लई मजबूर किया। इन्हां सारियां चीज़ां नूं अपने धर्म के खिलाफ समझदे सी, इत्थों तक कि ईसाई धर्म अपनाउण लई भी कहा, तां उन्हां नूं अंग्रेज़ां दीआं भावनावां दे विरुद्ध भड़क उठे। अवध दे विच ब्रिटिश साम्राज नूं विच शामिल करना, तो 1856 जदों लॉर्ड डलहौजी अवध नूं ब्रिटिश साम्राज च शामिल कर लैंदा है तां उत्थे दा विद्रोह तालुकदार मुख विद्रोही बन जांदे ने। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 च कैनिंग है जिहड़ा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पास करदा, इस एक्ट दे दौरान सैनिकां नूं इह लिख के देना पैंदा सी जिथे भी सरकार उन्हां नूं युद्ध जाण दी आग्या देवेगी उत्थे चले जाणगे। इस नाल कट्ट हिंदू क्रोधित हो गए क्योंकि समुद्र नूं पार करना धर्म के विरुद्ध समझे सी। भारतीय ते यूरोपियन सैनिकां दी संख्या दे विच असमानता, हुण देखिआ जावे 1856 दे विच सैना 233,000 भारतीय ने, अंग्रेज़ों की सैना केवल 45,322 है। भारतीय सैनिक अपने आप को अंग्रेज़ों तो ज़्यादा समझ के भी उन्होंने अनेकों तरह का वितकरा किया जाता है, इस कारण ये विरुद्ध होए। तत्कालीन कारण जो चर्बी वाले कारतूस मने जाते हैं। 1856 च सरकार ने पुरानी बंदूकों की थान सैनिकों को नवी बंदूकों दित्तियां, जिसनों एनफील्ड राइफल्स कहा जाता है। राइफल कारतूसों के गां ते सूर दे चर्बी लगी हुई सी। सैनिकों ने राइफल भरन के लिए कारतूस नूं उपरले दंदा सिरे नूं दंदा नाल छिट कटना पैंदा है। 1857 के आरंभ के डमडम विखे एक घटना वापरी जिदे भारतीय सैनिक इस चर्बी वाले कारतूसों की जानकारी मिली। 1857 एक ब्राह्मण सैनिक के हाथ में लूटा लेके बैरक जा रहा है, जो तोपखाने के एक सिपाही ने उस तो पानी पीने के लिए लोटा मंगया तो ब्राह्मण सैनिक ने उच्ची जाति के कारण नीवी जाति के सिपाही ने लोटा देने तो इनकार कर दिता। उसने सिपाही ने पड़ कोठिया तो कहन लग्या छेती उसकी जाति का अपमान क्यों होने वाले, तो सारे सैनिकों को गां ते चू चूहू की चर्बी जी कारतूस वर्ती वरतों करनी पेगी, राइफल च भरन लई दंदा ना कटना पेगा। ब्राह्मण सैनिक क्रोध उठा बैरक वल दौड़िया, पुज के यह गल अपने साथियों नूं सुनाई। बैरकपुर के कारतूसों के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों ने गल की पुष्टि की, छेती सैनिकों के खबर भड़क उठी और उन्होंने खिलाफ हो गए। बिल्कुल सच्ची है तो मुसलमान सैनिक भी भड़क उठे, गां सूर की चर्बी दंदा ना कटना पाप समझते, विश्वास हो गया अंग्रेजी सरकार उन्होंने धर्म को नष्ट करने तुली हुई है। उन्होंने बड़ी दलेरी के हौसले के नाल अपने सारे लोगों देसी राजियों ने उन्होंने साथ दिता, छेती विद्रोह से जोड़ा एक भयानक रूप है जोड़ा वह धारण कर जाए। यह 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण अपना चर्बी वाले कारतूसों तक पढ़िया होंगे सीगा ज़्यादातर कि चर्बी वाले कारतूसों की वरतों कारण ही 1857 का विद्रोह है जोड़ा वह होया। असल 1857 का विद्रोह कला चर्बी वाले कारतूस नहीं सी, चर्बी वाले कारतूस सिर्फ एट ए टाइम तत्कालीन कारण बन गए। असल उस तो पहला भी बहुत सारिया इदा दटनावान से जिड़िया भारत के भारतीय लोगों जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ भारतीय लोगों के अंदर एक ज्वाला जी पैदा हो रही थी। चर्बी वाले कारतूस ने जोड़े उस ज्वाला अग्नि का रूप दे देने से भड़क उठती है, तो अगे जाके बड़ी मात्रा के विद्रोह का रूप है जोड़ा वह धारण कर लेंदी है। तो इस तों बाद अगे आप विद्रोह दीआं घटनावां ते प्रभाव आप अगले लैक्चर के पढ़ांगे। घटनावां कित्थे कित्थे होईआं कदों होया ये आप पढ़ांगे डिटेल दे विच, क्योंकि बहुत सारिया थावां ते अलग अलग समय जिहड़ा इह विद्रोह होया, इको थां ते नहीं होया, इको समय नहीं होया, क्योंकि अलग अलग थावां ते होया। इसलिए अगे पढ़ांगे आप भी क्यों सफल नहीं हो सकिया, ये भी ये कारण अगे आउणगे भी क्यों नहीं सफल हो सकिया, की कारण है, क्योंकि इको समय नहीं शुरू होया। ये सारिया चीज़ा आप अगे जरा पढ़ा अज इन्ना ही, जेकर नहीं समझ लगे तो दोबारा तुम पूछ भी सकते हो, जो वधिया लगता तो वो तो वो इस करो, कमेंट करो, शेयर करो। धन्यवाद।